हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में राजस्थान में भाजपा ने लगभग आधी सीटें गंवा दी। उसे 25 में से 11 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा, जबकि 2019 में भाजपा ने प्रदेश की सभी 25 सीटों पर जीत का परचम लहराया था। भाजपा की हार के कारणों में से एक कारण उस नैरेटिव को बताया जाता है जिसमें कहा गया था कि अगर भाजपा दोबारा सत्ता में आई तो संविधान बदलकर आरक्षण खत्म कर देगी। अब एक बार फिर राजस्थान में भाजपा सरकार के सामने ऐसी स्थिति आ गई। गुरुवार को राजस्थान पुलिस के आदेश में ओबीसी को दी जा रही उम्र की छूट को खत्म कर दिया गया, जो आने वाले उपचुनाव में एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। नमस्कार, मैं हूं शेख जूही, आप देख रहे हैं धनगरी न्यूज। आदेश के बाद कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर आदेश की कॉपी शेयर करते हुए लिखा, राजस्थान पुलिस सेवा में ओबीसी वर्ग को आयु में मिलने वाले 5 वर्ष की शिथिलता के नियम को खत्म कर सरकार ने एक बार फिर अपना राष्ट्रीय सोच को दर्शाया है। क्या अब भी हम चुप रहें? नहीं नहीं, सरकार के हार अन्य के विरुद्ध हम सड़क से लेकर सदन तक संगठित होकर लड़ाई लड़ेंगे। हैशटैग हक की बात। दरअसल राजस्थान पुलिस सेवा नियम 2024 के संबंध में कार्मिक विभाग की ज्वाइंट सेक्रेटरी दिनेश कुमार शर्मा द्वारा जारी आदेश में लिखा है कि पुलिस सर्विस में ओबीसी वर्ग को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की मिलने वाली छूट के आदेश 16 अप्रैल 2021 से निरस्त कर दिया। वहीं इस पर राजस्थान युवा शक्ति एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष मनोज मीणा ने लिखा, ये ओबीसी वर्ग के छात्रों के साथ में कुठाराघात है। सीएम से निवेदन है कि छात्रहित में इस आदेश को कैंसिल करें। राजस्थान में इस साल के आखिरी में 5 विधानसभा सीटों दौसा, देवली, उनियारा, खींवसर, झुंझुनू और चौरासी में उपचुनाव है। लोकसभा चुनाव में हार के बाद भाजपा इन सीटों को जीतना चाहेगी, लेकिन राजस्थान पुलिस सेवाओं में ओबीसी वर्ग की उम्र छूट खत्म करने के मुद्दा इन चुनाव में भाजपा के गले पे पड़ सकता है, क्योंकि खींवसर और झुंझुनू विधानसभा सीट पर ओबीसी वर्ग के मतदाता बड़ी संख्या में। ऐसे में जब विपक्ष इस मुद्दे को हवा दे रहा है तो भाजपा को इन दोनों सीटों पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। बता दें कि लोकसभा चुनाव में भाजपा द्वारा दिया गया 400 पार का नारा उल्टा पड़ गया था। कांग्रेस ने इस नारे को काउंटर करने के लिए कहा कि भाजपा संविधान बदलना चाहती है, इसलिए उन्हें इतनी सीटें चाहिए। लोकसभा चुनाव के दौरान पूर्वी राजस्थान में संविधान खत्म करने के मुद्दे ने जमीन पकड़ ली थी। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया था, जिसके बाद भाजपा पूर्वी राजस्थान की दौसा, टोंक, सवाईमाधोपुर, भरतपुर, करौली, धौलपुर सांसदीय सीटों पर बुरी तरह हारी। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए धनगरी न्यूज़। शुक्रिया।